अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आज मैं बनाऊँगी पंजाबी बिरयानी। मैं बनाने लगी थी खाना दोपहर का, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, इसमें मैंने लिए हैं टमाटर, सुरख मिर्च, नमक, गरम मसाला, लहसुन, प्याज, चिकन, इसको मैंने धो के काट के अच्छी तरह साफ़ कर लिया, चावल, इनको मैंने भिगो लिया था पकाने के लिए, तेल। ये बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से तैयार होती है। देख के चूल्हे पे चढ़ा लेंगे, चूल्हा ऑन कर लेंगे। सबसे पहले इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। साथ में शामिल कर देंगे ये कटी हुई प्याज। प्याज इसमें ज़्यादा जाती है, इसलिए मैंने ज़्यादा ली है प्याज। लहसुन साथ में ही चिकन शामिल कर देंगे। ये नमक और मिर्च इन सबको फिर डालेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से ये बनने वाली बिरयानी है। बच्चे शौक से खाते हैं, ज़्यादा मसालों वाली वो पसंद नहीं करते, इसलिए मैं ज़रा सिंपल तरीके से बिल्कुल बनाऊंगी, बहुत कम मसालों में। इस पर ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर कि अपने चिकन अपना पानी छोड़ दे। आप भी इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। साथ में ये अदरक डाल दूंगी मैं इसमें। कटी हुई प्याज, अब इन सबको मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं ये गरम मसाला भी शामिल कर दूंगी और चिकन को पकने तक गलने तक पकाएंगे। चिकन को गलने तक पकाएंगे। चिकन ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया, अब इसी पानी में ये पक जाएगी। और दूसरे चूल्हे पे मैंने देख के चढ़ा दिए, इसमें पानी डालूंगी और चावल बॉईल करूंगी। चूल्हा ऑन कर लेंगे इसका भी। देख के मैंने थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लिया चावलों के लिए। ये चावल जो हमने भिगो के रखे थे, इसको अब देचकी में शामिल कर लेंगे। इनको अब चिकन में मैं शामिल करूंगी सब्ज़ धनिया। मेरे पास फ्रेश तो नहीं है, मैं फ्रीज किया हुआ इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। चिकन हमारी बन के रेडी है। ऑयल छोड़ दिया इसने और भून गई अच्छी तरह। मसाला तैयार हो गया। चावल बॉयल हो गए हैं, अब इनको मैं छान लूंगी, पानी इनका निकाल लूंगी। चावलों का पानी निकाल लिए,
अब इसकी हम तहे लगाएंगे बिरयानी के। सबसे पहले मैं ये चिकन की तह लगाऊंगी इस तेज़ घी में, फिर चावलों की लगाऊंगी बारी बारी। ये इस तरीके से चावलों की तह लगा दी है, अब इसके ऊपर दोबारा से चिकन की तह लगाऊंगी। सारी तह लगा लेंगे बारी बारी। अब आखिर में इसके ऊपर मैं चावलों की तह लगाऊंगी। इस तरह सारी तहें लग गई हैं। अब बैंड पे इसके ऊपर मैं डालूंगी फूड कलर, ये फूड कलर है इसको मैं डालूंगी। ये बाकी का भी फूड कलर इसमें शामिल कर दूंगी। आप इसको 10 से 15 मिनट तक दम पे रखेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने दम लगा दिया। अब इसका हम दम उठा के देखेंगे। अब देखेंगे कि इसका चावल हमारे गल चुके हैं या नहीं, दम हटा के देखेंगे। देखें बहुत प्यारे, बहुत खिले खिले चावल बने हैं। अब इनको मैं ट्रे में निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पंजाबी बिरयानी बन के तैयार है। अगर आपको ये हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लगी आपको। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।